और त्राही में हम संदेश में मैंने एक स्थान का उनके पास प्रमाण के साथ भेज चीज़ों को दस्तावेज देने का काम किया है, और वो है आयरन ओर से संबंधित चाईबासा ठाकुरानी माइंस के संदर्भ में। ठाकुरानी माइंस जो आप सब कोई जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, और वो लगभग 84.6 हेक्टेयर में स्थित है, आयरन उसमें पाया जाता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत जो लीजधारी आयरन ओर के राज्य के रेवेन्यू को दे नहीं पाए थे उनको पेनल्टी देने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और भारत झारखंड उसके बाद 2019 में इस ठाकुरानी माइंस को बंद कर दिया गया, और 2019 में बंद करते हुए उसके लीज को रद्द कर दिया गया। हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जो पेनल्टी जो किया गया है उस पेनल्टी की रकम को आप जो उनके द्वारा खनिज संपदा जो आयरन ओर था जो किया गया जो रखा गया स्टॉक में उसको आप नीलाम करते हुए उसको वसूली की जाए। पदम कुमार जैन पर 334 करोड़ के जुर्माने किए गए थे, और इसलिए सरकार ने पेनल्टी को रकम करते हुए इसकी नीलामी जे झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को करने का काम किया। यहाँ तो बात सतही तौर पर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर अब षड्यंत्र प्रारंभ हो जाता है, कॉन्स्पिरेसी शामिल हो जाता है, और उस कॉन्स्पिरेसी में का खेल जिसको कह सकते हैं वो खेल अब प्रारंभ हुआ, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब कोई जानते हैं कि झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा टेंडर की जाती है, उसके पहले जो माइंस में जो उत्पादित खनिज संपदा था जिसको आयरन ओर जिसका हम कह रहे हैं, वो आयरन ओर का जो परसेंटेज जिसको आयरन ओर कितना है कितना प्रतिशत उसमें आयरन है, इसके लिए जांच के लिए राज्य की सरकार ने 30/5 को झारखंड सरकार के जो लैब है हजारीबाग में स्थित है उसको भेजने का काम किया। 30/5/2021 रविवार का दिन था, और रविवार के दिन टेस्टिंग के लिए उनके पास भेजा गया, और 31 तारीख को टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आ गई। आप सब कोई जानते हैं कि उसके आयरन ओर को जब जांच किया जाता है तो टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन 12 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आ जाता है। और आप सब कोई जानते हैं कि रविवार का दिन बंद रहता है, सोमवार का दिन रहता है, लेकिन 30 तारीख को रिसीव कराया जाता है उसके सैंपल को, और 31 तारीख की उसकी जांच करके राज्य सरकार को दे दी जाती है, और 31 तारीख को ही झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उस रिपोर्ट को दे दी जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में ये है कि जो खनिज संपदा जो निकली हुई है, आयरन ओर निकला हुआ जो स्टॉक में जमा है, उसका परसेंटेज 40-35 से लेकर के 50% तक है। आप सब कोई जानते हैं कि पूर्व के लीजधारी कोई भी किसी का होगा, वो लीजधारी जब माइनिंग प्लान बनाता है तो माइनिंग प्लान के तहत इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस होता है, इंडियन ब्यूरो माइंस को रिपोर्ट दी जाती है कि हमारे जो हम माइंस कर रहे हैं उसमें आयरन ओर का परसेंटेज क्या है। और पदम कुमार जैन ने IBM को जो रिपोर्ट दिया था वो रिपोर्ट में 55 से 65% तक, 60 से लेकर के 65% तक वो दिखाया था कि मेरे खान में आयरन ओर है। उतना ही नहीं, पदम कुमार जैन ने झारखंड सरकार के जो खान विभाग है, माइंस डिपार्टमेंट है, उसको भी रिटर्न फाइल में अपने जो संपदा थी खनिज आयरन ओर उसको 65% दिखाया। इतना ही नहीं, 2020 में डीसी
डीसी को भेजा गया था कि उस खनिज वहाँ की खनिज जो है वहाँ के आयरन और उसका परसेंटेज क्या है, तो डीसी ने 2020 में भी रिपोर्ट किया था कि ये जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें आयरन और 65% है। अब इसमें स्पष्ट रूप से है कि झारखंड सरकार, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो माल बेचा जाएगा वो कम दाम में टेंडर लोग लेंगे, वो कम दाम में लेंगे और ऊंची दाम में बेचने का काम करेंगे। ग्रेड कम दिखा करके बेचने का काम किया जैसे एमडीसी और माइंस और मिनरल्स डिपार्टमेंट ने, उसमें डीएमओ का, डायरेक्टर माइंस का और पूरे विभाग का पूरी तरह से मिलीभगत है। इसमें राजनीतिक संरक्षण है इसमें, इसलिए इसके तीन नुकसान होंगे। जो 1,07,000 एमटी माल वहां पड़ा है उसको बेचने से झारखंड सरकार के रेवेन्यू में 40-50 करोड़ रुपए के नुकसान होंगे, सीधे नुकसान होंगे। दूसरा नुकसान होगा कि जो माइंस जो माल खरीदेगा, टेंडर लेगा 1,07,000 का, उसके बाद उसके बहाने जो माइंस बंद पड़ी हुई है वहाँ से इलीगल माइनिंग करने में उसकी छूट मिल जाएगी उसको। वो एक ही परमिट से कई बार उसका उपयोग करेगा, जो स्टॉक रखा हुआ है उसको लेकर के जाने का काम करेगा, साथ साथ इलीगल माइनिंग उस माइन से करेगा और साथ में फॉरेस्ट एरिया में भी माइनिंग करने का वो काम करेगा। तीसरी बात और खतरनाक है और वो खतरनाक इस बात का संकेत देता है कि राज्य के साथ कितना बड़ा नुकसान आज के शासक वर्ग कर रहे हैं। आप सब कोई जानते हैं कि सभी आयरन ओर के जितने माइंस थे वो बंद पड़े हुए हैं झारखंड में, फिर से उसका ऑक्शन होना है और जब ऑक्शन होगा तो झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा जो माल बेचा जाएगा 40% पर, 45% पर, वही स्टैंडर्ड पर फिर से उसकी नीलामी होगी, जिसके तीन नुकसान हमने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान होगा, दुर्गामी नुकसान होगा कि वो माइंस का परसेंटेज हमेशा के लिए 40% पर अटक जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस राज्य को 300-400 करोड़ों का नुकसान का चूना लगाने का ये षड्यंत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के मैंने त्राहिमाम संदेश देने का काम किया और आप सब कोई जानते हैं कि झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट के कॉरपोरेशन में जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसमें महामहिम को अधिकार है, महामहिम का वहां पर स्टेक 99% है जेएसएमडीसी में। इसलिए महामहिम के पास मैं जाकर के आज फरियाद करने के लिए गया था और महामहिम ने भी आश्वासन दिया है मुझे कि खनिज संपदा की लूट की छूट होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। हमारी ओर से बस इतना ही कहना था। मैं राज्य सरकार को सचेत करना चाहता हूं, शासक वर्ग को सचेत करना चाहता हूं, खनिज संपदा की लूट की छूट भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बालू की तस्करी जो हो रही है एक सिंडिकेट के माध्यम से, हमारी नजर उस तरफ है। मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ उपस्थित हूंगा। जिस प्रकार से शराब के मामले में इस राज्य को धोखेघड़ी में रखा गया है उसका भी भारतीय जनता पार्टी नजर लगाए हुई है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।